एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैंने अपना आई मेकअप शेयर किया है विदाउट आई पैलेट। जब मुझे आई पैलेट से मेकअप नहीं करना आता था तब मैं यूज़ करती थी एक लिक्विड बेस में आई शेडो आता है वो वाला, और बहुत ही ज़्यादा है इजी लगाना मेकअप उसके जो आई पैलेट से हम लोग करते हैं उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। स्पेशली जो भी बिगनर्स होते हैं ना, नए नए अपना मेकअप करना सीखते हैं, और सबसे ज़्यादा लेडीज़ को और गर्ल्स को आई का मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा लिक्विड बेस में ही करती थी, और अब भी मेरे पास आई पैलेट भी दो दो तीन तीन है, बट मैं सबसे ज़्यादा लिक्विड बेस में ही करती हूँ, और वो इजी भी है। और इसमें जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं वो सारे के सारे मेरे यहीं से मेरे लिए हुए हैं लोकल से, मतलब कि लाइफस्टाइल या वेस्ट साइड ऐसे कुछ ऐसे एक एक करके लिया हुआ है, जैसे जैसे मुझे अच्छा लगता प्रोडक्ट वो ले लेती हूँ। बाकी ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे तो आप ले सकते हैं। और ये जो मेकअप मैं आई का कर रही हूँ ना, ये मेरे जैसी जैसे 40 प्लस लेडीज़ होती हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो सिंपल सी कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं उनको करना अच्छा लगता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। शादी के बाद जो ब्राइड होती है उनको ऊपर तो आई पैलेट से जो कट टू कट मेकअप होता है ना वैसा वाला करना बहुत अच्छा उनको लगता है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मेरी एज के हिसाब से या कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए ये वाला आई मेकअप सिंपल सा है, ज़्यादा हाईलाइट नहीं है, सिंपल सा है, लुक भी अच्छा आएगा और आपके आईज भी खूबसूरत लगेंगे। तो ये मैंने शेयर किया है, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, और बस अभी आप मेरा वीडियो को देखिए और सपोर्ट कीजिएगा। और ये मेरा जो भी मैंने बोला है वो मेरा अपना व्यू है पर्सनल, वो किसी के लिए मैंने बोला नहीं है, मैंने सिर्फ अपने लिए बोला है, जैसे मुझे पसंद है वैसे मैंने आप सबको करके दिखाया है। यहाँ पर मैंने उठाया है वाइप्स, इसके साथ अपनी आँखों को क्लीन करूँगी अच्छे से, क्योंकि उसके ऊपर स्वेटिंग वगैरह तो आ ही जाती है, आपको पता है फेस के ऊपर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसको क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद अभी मैं लगा रही हूँ कंसीलर, और कंसीलर लगाने के बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी, उसके बाद लगाऊँगी सेटिंग पाउडर। और कंसीलर, सेटिंग पाउडर और जो फाउंडेशन वगैरह होती है ना हमें सेम टू सेम कलर का लेना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा मेकअप बिल्कुल इक्वल नहीं लगता है। काफ़ी सारे लोग अलग से ले लेते हैं, बट मुझे पर्सनली इस तरीके से पसंद है तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। आपके पास अगर लूज़ पाउडर नहीं है तो आप ले सकते हैं घर में जो बेबी पाउडर होता है ना, जॉनसन बेबी का, वो भी लगा सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छे से सेट हो जाता है मेकअप हमारा। तो इसको हमें अभी ब्लेंड करना है, और मैं हमेशा चाहती थी कि आज सिर्फ और सिर्फ मैं अपना आई ही दिखाऊं, बट जब मैं कैमरा क्लोज़ कर रही थी मेरे आईज ना सामने से धुंधले से आ रही थी, मतलब स्क्रीन पर धुंधलापन आ रहा था, पता नहीं क्यों, शायद कैमरा सही से नहीं रख पा रही थी। यहाँ पर मैं अभी कर रही हूँ सेट, लैक्मी पाउडर है या पता नहीं कौन सा फेस पाउडर ही है, बट तो क्लोजली नहीं हो रहा था जैसे प्रोफेशनल करते हैं ना मेकअप, वैसे मैं चाहती थी कि मैं अपना आंखें ही सिर्फ दिखाऊं, बट यहाँ पर मुझे पूरा फेस ही दिखाना पड़ रहा है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है लिक्विड आई शेडो जो कि है मेरा फेवरेट, ये हमेशा से मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा सबसे ज़्यादा यही यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी वे है, स्टेप इसके ज़्यादा नहीं हमें करने पड़ते मेकअप के आई के, जो हम लिक्विड बेस में जैसे कर रहे हैं अभी आप देख ही रहे हो, सिर्फ 4-5 स्टेप में हो जाएगा। और आई पैलेट से हमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, इसमें तो 4 से 5 करने पड़ते हैं, और इसके बाद इसको मैं 2 कोटिंग करूँगी, मैं सिर्फ आपको शायद 1 कोट दिखाऊँगी या 2, अभी मुझे ये नहीं पता है, थोड़ा सा गैप देकर तो उसका सेकंड कोटिंग कर देना है, उसके बाद आपकी आंखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मैंने आपको बोला 5 मिनट्स का गैप, बट ये 2 मिनट में ही ड्राई हो गया था जल्दी, और सेकंड कोट भी मैंने शायद लगा लिया था और मैंने आपको दिखाया नहीं। यहाँ पर मैंने लगाना है लिक्विड आईलाइनर जो है ब्लू कलर का, मेरे पास ब्लैक कलर का पेंसिल में है बट लिक्विड में नहीं है, मैं ज़्यादा ब्लू और ग्रीन कलर का आईलाइनर लगाती हूँ, ब्लैक भी लगा लेती हूँ बट ज़्यादातर यही लगा लेती हूँ, और ये लगा लूँगी। लगाने के बाद फिर मुझे लगाना है मस्कारा, मस्कारा के लिए हमें 2-3 कोटिंग करनी है ताकि आपको आईलैशेस की ज़रूरत ना पड़े, अगर आपको आईलैशेस भी लगाने हैं तो भी 2-3 कोटिंग करने के बाद आईलैशेस लगा लें। मैंने इस वीडियो में आईलैशेस या लेंस वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, जस्ट
अपना वो किया है, क्योंकि मुझे वीडियो ही बनाना था फिर से, नहीं तो निकालने के टाइम पर बहुत मुश्किल हो जाता है, वो सब आँखों में पानी आ जाता है और बहुत ज़्यादा धुंधलापन सा आ जाता है हमारे। तो यहाँ पर कंसीलर मैंने लगाना शुरू किया है अपने आईब्रोज़ के पास, ताकि वो इक्वली नीट एंड टाइडी लगे। और अभी मैं ब्रश के साथ उसको करूँगी अच्छे से ब्लेंड। तो मेरी बड़ी विश थी कि मैं ना अपना जो आई का मेकअप है बिल्कुल क्लोज करके दिखाऊं, बट हो ही नहीं रहा था, फिर मैंने ऐसे ही रहने दिया। तो ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखें, वहाँ पर रील में होगा, सॉन्ग में, तो आपको आंखों का मेकअप वहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने लगाना शुरू किया है मस्कारा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आइज चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी ग्लॉसी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर से चाहिए, तो आप आईलैशेस और लेंस जो होते हैं ना वो लगा लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं। और लेंस की तो बात ही अलग है, आपकी आंखों में चमक ही आ जाती है, तो वो लगाना ज़रूरी है। अगर आपको पसंद हो तो लगा लीजिए, मैं अभी वीडियो में थी, कभी ना कभी तो ज़रूर ऐड करूँगी। अभी जस्ट मैं सीख रही हूँ, और वीडियो थोड़ा थोड़ा बनाते वक्त मुझे डर भी लगता है कहीं गलत ना हो जाए, तो यहाँ पर मेरा मेकअप हो जाए। तो यहाँ पर मेरा मेकअप हो गया है आई का, आपको इतना ज़्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा, बट रील जरूर चेक कीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपना रील में सॉन्ग ऐड करूँगी, तो आप वहाँ पर जाके देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।